नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। महाराष्ट्र गृह विभाग ने अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस वक्त आला अधिकारी सलमान खान के घर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 5 जून को सलमान और सलीम खान को धमकी भरा पत्र भेजा गया, जिसके बाद अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस इसकी जांच में जुट चुकी है। संगीतकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कथित तौर पर गायक की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ी हुई है, जिसके कारण सलमान की जान को भी खतरा बताया जा रहा था। सिद्धू की हत्या के 6 दिनों बाद सलीम खान को रविवार की सुबह करीब 8 बजे धमकी भरा नोट मिला। बता दें कि सलीम खान अक्सर इसी वक्त जॉगिंग के लिए बाहर जाते हैं। लेखक फिल्म निर्माता को उसी बेंच पर पत्र रखा मिला, जिस पर वे आमतौर पर टहलने के बाद बैठते हैं। कथित तौर पर उस पत्र में सलमान खान का नाम था। घटना के बाद खान परिवार ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और मामले पर आधिकारिक प्राथमिकी दर्ज कराई। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को धमकी दी थी। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में है, जहां उनसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के संदर्भ में पूछताछ जारी है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।